दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राजनीति को कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ कि जो माँ बेटी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी चली गई, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लगा। लेकिन जिस खबर को लेकर आपके साथ में हूँ मैं, वो ये नहीं है। किरण चौधरी चली गई, वो टॉपिक खत्म। खबर ये है कि जब किरण चौधरी के कल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी, तो कल देर शाम को सोशल मीडिया पर एक और खबरें रेंगने लगी। सोशल मीडिया पर और खबरें चलने लगी, और जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज कन्वे किए जा रहे थे, भेजे जा रहे थे, वो ये थे कि दो नहीं चार नेता जाएंगे, चार नेता जाएंगे, यानी कि किरण और श्रुति नहीं, उनके साथ में जो दो नाम और जोड़े गए, वो नाम जोड़े गए, एक तो करण सिंह दलाल, हरियाणा के पूर्व मंत्री, पलवल के पूर्व विधायक, और दूसरा नाम जोड़ा गया हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा। दोनों नामों पे आपसे जिक्र करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि करण सिंह दलाल के लिए कोई ठौर नहीं और कांग्रेस के लिए पलवल में कोई और नहीं। करण सिंह दलाल से मेरी आज भी और कल भी टेलीफोनिक बातचीत हो रही थी। हमने भी जानना चाहा कि करण दलाल के मन में क्या है, तो मुझे वो कहने लगे कि जो आप वीडियो में कह रहे थे वही है, यानी कि करण सिंह दलाल कांग्रेस नहीं छोड़ रहे। तो सोशल मीडिया में खबरें चली कहां से? आखिर इन खबरों का सोर्स क्या होता है? खबरें चलती क्यों है, क्यों चलाई जाती हैं? आप हैरान रह जाएंगे कि रात को 2 बजे तक टेलीफोन घनघनाते रहे लोगों के, और ये पूछते रहे कि कल क्या 11 बजे करण सिंह दलाल भी भाजपा वाले हो जाएंगे, क्या कुलदीप शर्मा भी हो जाएंगे। और बड़ी बात यह, आप देखिए दोस्तों, कि कुलदीप शर्मा तो भारत में ही नहीं है, आज विदेश घूमने गए हुए हैं। और करण सिंह दलाल आज अपने, जब किरण चौधरी ज्वाइन कर रही थी भाजपा को, कांग्रेस को छोड़ रही थी, उस समय करण सिंह दलाल पलवल के कांग्रेस कार्यालय में बैठ करके कांग्रेस की बूथ कमेटियां बना रहे थे, जो उन्होंने खुद बताया। बड़ी बात है। तो वही बात आती है कि आखिर ये बात चली कहां से। पहले बात आपसे करण सिंह दलाल की कर लें कि क्यों बात चली। करण सिंह दलाल के लिए बात यूं चली कि लोकसभा का टिकट मिला नहीं था, और लोकसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद में करण सिंह दलाल काफी सिमटे से नजर आए थे। पलवल विधानसभा क्षेत्र तक खुद को सीमित कर लिया था। लोगों के अंदर ये चर्चा चल पड़ी कि कहीं करण सिंह दलाल अपने पुराने रोल में तो नहीं है, जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया था। उन बातों में कितना दम था, कितनी सच्चाई थी, कितनी नहीं थी, इसको ज्यादा तो बता सकते हैं खुद करण सिंह दलाल या कृष्णपाल गुर्जर। लेकिन ये जरूर है कि हमने कहा था कि करण सिंह दलाल कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, इसके बावजूद वो चर्चाएं चली। और उन चर्चाओं के पीछे मेन बात जो चली, वो मुख्य बात थी, वो उसके पीछे एक बात ये चली कि लोग ये कह रहे थे करण सिंह दलाल कहीं संपर्क में है, क्योंकि करण सिंह दलाल के जो पिछले दिनों बयान चल रहे थे कांग्रेस नेताओं के लिए, चाहे वो कहीं गुस्सा छलक रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, चाहे गुस्सा छलक रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के लिए, उन सबको लेकर के कांग्रेस आलाकमान के लिए उनके जो बोल थे उनमें गुस्सा छलकता था, और उसको देखकर लगता था, जो दूर से पॉलिटिक्स देखते हैं उनको लगता होगा कि शायद करण सिंह दलाल चले जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पलवल विधानसभा क्षेत्र में आज उनका विधायक है, पलवल से दीपक मंगला विधायक है, और पलवल विधानसभा सीट ऐसी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी आज भी दावा कर सकती है प्रत्याशी दीपक मंगला होंगे या प्रत्याशी कोई और बन जाते हैं, किसी और को टिकट मिलता है, लेकिन पलवल पर आज भी सोचा जा सकता है। पलवल शहरी सीट है। मैंने इसलिए कहा था कि करण सिंह दलाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो करण सिंह दलाल की स्थिति कांग्रेस में यह है कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता को उभरने नहीं दिया, किसी भी नेता को, वो खुद एक स्वयंभू नेता पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर बने रहे। इसलिए मैंने कहा था कि क्योंकि यहां उनकी टिकट को खतरा नहीं, हरियाणा के अंदर जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ उससे लगता ऐसा है कि विधानसभा चुनाव में बड़ा सख्त मुकाबला होगा, हो सकता है कांग्रेस भी सरकार बना ले, हो सकता है भाजपा भी सरकार वापसी कर ले, हैट्रिक बना ले, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है। इस सबको देखते हुए ही हमने कहा था कि करण सिंह दलाल के लिए और कोई ठौर आसानी से है नहीं, और आज भी, आज की स्थिति भी यही है। हालांकि मैंने अपने वीडियो में पहले कहा कि राजनीति के अंदर संभावनाओं का दौर हमेशा बना रहता है, लेकिन स्वयं करण सिंह दलाल का जो कहना है वो कहते हैं कि वो
कांग्रेस नहीं छोड़ रहे। ये जरूर है कि उन्होंने ये भी कहा कि किरण चौधरी को मराया जाना चाहिए था, ये भी कहा कि पार्टी को घमंड में नहीं रहना चाहिए, इस तमाम बातें हैं और वो अपने जो इंटरव्यू जोन में कहते रहते हैं। अगली बात कुलदीप शर्मा की। कुलदीप शर्मा के बारे में क्यों बात चली? कुलदीप शर्मा के लिए बात चलने के पीछे मुख्य कारण ये था कि कुरुक्षेत्र से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने एक धन्यवाद कार्यक्रम शुरू किए और कुलदीप शर्मा को आप यूं मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो साये की तरह रहा करते हैं। कोई सभा हो, किसी क्षेत्र में हो रही हो, उसके अंदर एक वक्ता के तौर पर अशोक अरोड़ा होते हैं, चौधरी उदय भान होते हैं, कुछ विधायक होते हैं और कुलदीप शर्मा होते हैं। कुलदीप शर्मा के जो भाषण होते हैं उनको आप सुन के समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार के महिमा मंडित किया करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि कुलदीप शर्मा टिकट चाहते थे, उनको टिकट मिल जाए। कुलदीप शर्मा चाहते थे करनाल का टिकट, वो चाहते थे उनको नहीं तो उनके बेटे चाणक्य पंडित को टिकट दे दिया जाए करनाल लोकसभा का, क्योंकि करनाल लोकसभा पहले हारे थे। और करनाल लोकसभा पर पार्टी आलाकमान का कहें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहें, दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम चल पड़ा। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप शर्मा को ऑफर किया था कि आप सोनीपत लोकसभा लड़ लें, लेकिन कुलदीप शर्मा भी परशुराम वंशज हैं, गुस्से में थे तो उन्होंने मना कर दिया सोनीपत के लिए। और उसके बाद से बताते हैं कि कुछ खटास आ गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप शर्मा में, और उसी खटास का बताते हैं परिणाम था कि जो वो कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं गए थे। हालांकि ना तो कुरुक्षेत्र लोकसभा है कुलदीप शर्मा की, ना उनकी कभी वहां विधानसभा रही। कुलदीप शर्मा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा करनाल से, विधायक बनते हैं वो गन्नौर से, जिला सोनीपत, सोनीपत की लोकसभा। इस लिहाज से अगर कुरुक्षेत्र में ना होना उनके कोई बड़े मायने नहीं थे, लेकिन राजनीति के अंदर चर्चाएं बहुत तेज चलती हैं और बड़ी जल्दी आगे बढ़ती हैं। एक कारण तो ये हुआ जिसमें समझा जाने लगा कि कुलदीप शर्मा कहीं अगर हुड्डा साहब से नाराज है तो क्या वो कांग्रेस के संपर्क में है। दूसरी बात, कुलदीप शर्मा की जो विधानसभा सीट है दोस्तों, वो है गन्नौर, सोनीपत लोकसभा की गन्नौर विधानसभा सीट, सोनीपत जिले की गन्नौर विधानसभा सीट। गन्नौर से आजकल विधायक निर्मला चौधरी हैं और निर्मला चौधरी के उनके जो पति हैं सुरेंद्र चौधरी, उनके ऑडियो वायरल हुए थे, उनके ऑडियो वायरल हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें वो अपनी पार्टी के नेता मोहनलाल बड़ौली का खाट खड़ी करने की बात करते थे। आप इस ऑडियो को भी सुनिए, जरूरी है सुनना आज ये। क्या हाल है भाई संदीप? सुरेंद्र चौधरी बोल रहे हूँ। सुरेंद्र चौधरी मेरे भाई, तू बोल गया, हम तो ना तेरे पिताजी गुजरे जी, तू सिलेंडर विलेंडर नहीं लेकर था ऑक्सीजन के। हाँ जी बाबू जी, हाँ जी बाबू जी। ध्यान, तेरे पास स्कॉर्पियो है ना? नहीं जी, स्कॉर्पियो तो शेयर कर दी मैंने। अब कौन सी ले ली? अब तो टूर ट्रैवलर है 12 से। अच्छा। और गांव में क्या हालात है पार्टी के? अच्छे हैं जी। हेलो, हाँ अच्छे हैं जी। अच्छे किसके? बीजेपी ने छोड़ मार गोली सुसरी के बीजेपी का। अच्छा, खंडर ने कुछ ना कर, तू ब्रह्मचारी की तरफ खुल जा, हमारी हुड्डा से बात होगी। ठीक है जी। आगे इलेक्शन लड़े गांव में, रुका मार दे कती जो है, चमार भी आ रहे, चमारा मैसेज दे दिया अपने, तो हमने मैसेज कर दिया। ठीक है जी। और कम कर दो है? ठीक है जी बाबू। राजेश को भी कह दिए, राजवीर को भी कह दिए, परिनो सरदारा जो बुढ़ा मर गया उसके पोते थे, कह दिए और कम कह दे। ठीक है जी, चमार थारे साथ है, ब्रह्मचारी की खुल के कर दो, जहाँ भी है फोन कर दो पूरे हल्के में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी साहब। हाँ, जहाँ भी एक बार निर्मल का आदमी जो है सारा जो है ब्रह्मचारी के जा रहे, हम सारे गांव में मैसेज कर चुके ए टू जेड। ठीक है, इन तो हम देख रहे हैं हमारा जो फोन में रह रहा आदमी उसको और कर रहे हैं, जब तू रहता था याद आ गई तो मगर तेरे को भी देते हैं। ना बाबू जी, ठीक है। ठीक है भाई है, और आगे को काम हो बता दिए। चार महीने साला इस्तीफा दिया ना, मगर काम तो कराओगे सरकार में है तो। हाँ ठीक है जी, आगे तो चार महीने बाद है इलेक्शन। ठीक है जी। तो गन्नौर के साथ में, क्योंकि वहां निर्मला चौधरी और उनके पति के ऑडियो वायरल होते थे, वो ये कहते थे कि बात हो चुकी है हुड्डा साहब से, अगर सही रहा सब कुछ, 15,000 वोट से जिताना है, आपने सुना सब कुछ, और आना है कांग्रेस में। अब अगर कांग्रेस के अंदर निर्मला चौधरी आ रही हैं, आ सकती हैं अगर, या आ रही हैं,
या उनकी कोई बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से चली, तो उस लिहाज से आप मान करके चले तो कुलदीप शर्मा को शायद खतरा भी हो सकता है कि उनकी विधानसभा खतरे में ना आ जाए। और सबसे प्रमुख बात, अगर भारतीय जनता पार्टी डोरे डालती है कुलदीप शर्मा पर, तो कुलदीप शर्मा को ऑफर कर सकती है सीट विधानसभा की गन्नौर की। और इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो डेंट मिला भारतीय जनता पार्टी को, जो उसका वोट शेयर घटा, उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय भी था। तीन प्रमुख समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज और दलित समाज, इन तीन समाजों ने पूरी तरह चोट दी थी भारतीय जनता पार्टी को। और इन तीनों समाजों से भारतीय जनता पार्टी आज भी उम्मीद करती है कि यहाँ से कुछ ना कुछ बटोरा जा सकता है। चौथा मुस्लिम समाज, वहाँ से कोई उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए नहीं, है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इस लिहाज से आप माने कि किरण चौधरी की ज्वाइनिंग होना एक जाट नेत्री, कुलदीप शर्मा पर डोरे डाले जाना एक ब्राह्मण नेता, चिरंजीलाल शर्मा जी के पुत्र हैं, विधायक रहे हैं कई बार, उनके पिता कई बार सांसद रहे थे, इस लिहाज से वो बहुत जरूरी बन जाते थे। इस लिहाज से कुलदीप शर्मा का नाम चला तो उस पर तो कुछ सहमति थी, लेकिन करण सिंह दलाल के नाम पर मैं आपसे आज फिर वही कहूंगा कि हम नहीं समझते कि करण सिंह दलाल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप शर्मा अगले नेता होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या जो संभावनाएं बनी रहती हैं, तो क्या कहीं करण सिंह दलाल की भी कोई संभावना बन सकती है? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार विकेट चटका रही है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, तो क्या हुड्डा साहब और उदयभान भी कोई रणनीति बना रहे होंगे भाजपाइयों को तोड़ने की? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।